नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति श्री द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर का लेसन क्रमांक 5 नंबर वचन नंबर आधार वचन। हिंदी में हम वचन के बारे में पता है, नंबर्स का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी वस्तु या प्राणी व्यक्ति की गणना करनी हो, संख्यात्मक जानकारी ज्ञात करने के लिए हम नंबर्स का ज्ञान करते हैं कि वस्तु एक है या अनेक है, उसके लिए हम वचन अर्थात नंबर का उपयोग करते हैं। नंबर्स काइंड्स ऑफ नंबर्स, काइंड्स अर्थात प्रकार, नंबर के दो प्रकार है। पहला होता है सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, जिससे हमें एक का ज्ञान होता है कि यह एक वस्तु है, यह एक आदमी है, यह एक लड़का है, यह एक चौक है, यह एक स्केल है। अर्थात सिंगुलर से तात्पर्य है कि हमें एक का अनुभव होता है, एक का ज्ञान होता है कि यह वस्तु एक है। एक वचन अर्थात वन, एक वस्तु का हमें एक का ज्ञान होता है कि यह वस्तु एक। सेकंड होता है प्लूरल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। प्लूरल अर्थात बहुवचन, जिससे हमें एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक का ज्ञान होता है कि यह वस्तु दो है। यह एक पेंसिल है, यह एक सिंगुलर हो, एक है अर्थात सिंगुलर है। जब यही पेंसिल है अधिक हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है, तो यह प्लूरल बन जाएगा, यह ये पेंसिले हैं। जिस प्रकार हम हिंदी में कहते हैं ये पेंसिलें हैं और ये एक है, तो यह एक पेंसिल है। इस प्रकार से सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स। अब हम इसके नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट, सभी नाउन सिंगुलर तो होते ही है, प्रत्येक जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, एक वचन ही होगा, किंतु उनमें से जिनको गिना जा सकता है उनको प्लूरल बनाया जा सकता है। अर्थात नाउन में हमने पढ़ा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, जो वस्तु है, जो नाउन काउंटेबल है उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल को नहीं बना सकते। तो जिनको गिन सकते हैं वस्तु है उनको हम प्लूरल बना सकते, जिनको नहीं गिन सकते वो वस्तु कौन सी होगी? जैसे दूध, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, तो वे वस्तु हम प्लूरल नहीं बना सकते। हाउ टू मेक प्लूरल नंबर, हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसके नियम देखेंगे। रूल नंबर वन, अधिकतर सिंगुलर नाउन के साथ एस जोड़ने पर वह प्लूरल बन जाता है। जो भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम एस जोड़ देंगे तब वह प्लूरल बन जाएगा। देखेंगे एग्जांपल, सिंगुलर एक वस्तु है, जैसे काऊ, काऊ था गाय, एक ही है गाय। अब इसको गाय को हम गिन सकते हैं, ये एक दो तीन चार गाय को हम गिन सकते हैं, तो इनको हम प्लूरल बना सकते हैं काऊ। इसके पीछे हम एस लगा देंगे तो सी ओ डब्ल्यू एस काउज। अब ये काउज है वो एक नहीं है, वे अधिक हो गई, दो या दो से अधिक हो जाएगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा गाय, वे गाय हैं। जैसे सेंटेंस बनाते हैं दे आर काउज, वे गाय हैं।
और एक है तो इट इज ए काउ या एक गाय है, काउ इसके पीछे एस लगा लिया तो यह प्लूरल बन गया। अब इसका अर्थ हो गया गाय है, ये गाय एक नहीं है, ये अनेक है, तो दो से अधिक है। चेयर, चेयर इसके साथ में हम एस लगा दें, चेयर अर्थात कुर्सी, एक ही है कुर्सी। अब इसको प्लूरल बनाएंगे, एस जोड़ देंगे, सी एच ए आई आर एस, चेयर अर्थात कुर्सियां। अब ये कुर्सी एक नहीं है, अनेक है, अर्थात दो से अधिक है, ये प्लूरल बन गया। यह कुर्सी चेयर, कुर्सी एक थी, अब एस लगा दिया हमने तब ये प्लूरल बन गया। उसी प्रकार गर्ल अर्थात लड़की, यदि दो या दो से अधिक है तो इसको प्लूरल बनाना है, तो इसके पीछे एस जोड़ देंगे, जी आई आर एल एस, गर्ल्स अर्थात लड़कियां, ये प्लूरल बन गया गर्ल्स। इसी प्रकार पेंसिल, पेंसिल यह सिंगुलर है, ये पेंसिल एक है सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना है। जब ये दो या दो से अधिक हो जाएगी तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे, तो इसके पीछे एस लगा देंगे, पी ई एन सी आई एल एस, अब हो जाएगी पेंसिल है, ये एक नहीं है, अब अनेक सारी पेंसिलें हो सकती हैं। इस प्रकार से हम किसी भी अधिकतर सिंगुलर नाउन के साथ एस जोड़ने पर वे प्लूरल बन जाती है। अब हम नंबर्स के रूल्स क्रमांक सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकतर जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ में तो हम एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाते हैं। दूसरा नियम है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस हो तो ई एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाते हैं। जिस प्रकार से यहां पर सिंगुलर नाउन दिए हुए, एक बार पुनः हम नियम की ओर बढ़ेंगे। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, उसके अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस, एक बार मेरे साथ में सभी भैया बहन दोहरान करेंगे, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस हो तो ई एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सिंगुलर एक अर्थात एक वचन दिए हुए हैं, बुश बी यू एस एच, इसके अंत में देखेंगे हम एस एच आया, इसके अंत में देखेंगे बेंच अर्थात बेंच होता है लिखने के लिए, इसके अंत में सी एच ओ एक्स डबल एस एस, बुश अर्थात जारी, बेंच बेंच लिखने के लिए होते हैं, मैंगो अर्थात आम, बॉक्स अर्थात संदूक, क्लास अर्थात कक्षा, बस अर्थात बस, इसके अंत में एस एच, ये सिंगुलर है। यदि एस एच है तो इसके साथ में बुश ई एस जोड़ेंगे तब ये प्लूरल बन जाएगा, इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, अभी बुश था झाड़ी था बुशेज हो गया अर्थात झाड़िया। उसी प्रकार बेंच, बेंच था बेंच सी एच है तो इसके साथ में हम ई एस जोड़ देंगे, बी ई एन सी
एच लिखा हुआ है, इसके साथ में हम ई एस जोड़ देंगे, अब हो जाएंगे बेंच, बेंच का बेंच है, ये बहुवचन हो जाएंगे। उसी प्रकार मैंगो आम, एक आम है अब अधिक है तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे, इसके पीछे ओ है, कारण नियम में हमने पढ़ा है कि ओ है, तो उसके साथ में ई एस जोड़ देंगे, एम ए एन जी ओ, ये तो सिंगुलर है, अब इसके साथ ई एस और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आम, आम अर्थात अनेक, अनेक आम हो जाएंगे, अनेक आम, बहुत सारे आम हैं, बहुत से आम हैं, या बहुत लिख सकते हैं, बहुत सारे आम, ठीक है, बहुत सारे आम, ये हो जाएगा प्लूरल। इसी प्रकार बॉक्स, इसके अंत में एक्स है तो क्या जोड़ेंगे, यस हमने नियम में पढ़ा है बी ओ एक्स बॉक्स, बॉक्स अर्थात संदूक, अब इसके पीछे एक्स है तो हम ई एस लगा देंगे, ई एस बॉक्स अर्थात संदूक है। इसी प्रकार नीचे क्लास कक्षा, एक ही कक्षा है तृतीया, अभी स्कूल के अंदर बहुत सारी कक्षाएं हैं तो हम क्या कहेंगे, क्लासेस, तो डबल एस आया इसके पीछे तो हम क्या जोड़ देंगे, ई एस सी एल ए डबल एस ई एस, हो जाएगा कक्षा थी तो कक्षाएं, साथ हिंदी में भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार बस, अर्थात एक ही बस है, इसके पीछे एस है तो हम क्या जोड़ देंगे, नियम के अनुसार एस है तो क्या जोड़ेंगे, एस बी यू एस, बस एक ही बस, अब इसके पीछे ई एस जोड़ देने पर हो जाएगा बसेज, अर्थात बसें, बहुत सारी बस हो गई, ये प्लूरल बन गया। अब हमने तो नियमों के अंदर पढ़ा कि अधिकतर जो नाउन होती है उनके साथ में एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। दूसरा नियम में पढ़ा कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस हो तो ई एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है, जिनके हमने एग्जाम्पल दिए उनको हमने प्लूरल बनाया। उसी प्रकार और नियम है, लेकिन अपनी कक्षा में दो ही नियमों का अध्ययन बताया। अब कुछ याद करने योग्य है जिसको अपवाद कहते हैं, सिंगुलर के अंदर जैसे एम ए एन मैन, ये नियम के अंतर्गत नहीं आते, जिन पर ये जो रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के, इन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो एम ए एन मैन, तो इसका अगर प्लूरल बनता है तो एम ई एन होता है, ये हमको याद रखने हैं, इनके अंदर नियम लागू नहीं होते। डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन, औरत बहुत सारी है तो हम डब्ल्यू ओ एम ई एन, यहाँ पर एक ही जगह ई हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वुमेन था औरतें। ऑक्स ओ एक्स ऑक्स अर्थात बैल, ये नियम के अंतर्गत आता है एक्स, इस नियम के अंतर्गत है एक्स, एक्स है तो हम ई एस जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, यह अपवाद है कि ऑक्स का ऑक्शन होता है इसके अंदर ई एस नहीं लगता, अधिकतर अधिक बार परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्स का प्लूरल बनाइए तो अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है कि ऑक्स होगा तो उसका ऑक्शन होगा ओ एक्स ई एन, वहां पर ई एस नहीं जोड़ना है, यह अपवाद है, इनको हमें याद रखने हैं, ऑप्शन बहुत से। धन्यवाद।